नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक टागा हारमोनी के 5.0 स्पीकर पैकेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप अपने होम थिएटर के लिए परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका डेमो, एंड में मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा कि हाँ, ये स्पीकर हमें खरीदने चाहिए हैं या नहीं खरीदने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये जो पैकेज है, इसका जो मॉडल नंबर है वो है TAV 506V2। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक 5.0 पैकेज है, यानी कि आपको इसके साथ में सब ऑफर नहीं मिलता है। अगर आप सब ऑफर लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी कंपनी का सब ऑफर इसमें लगा सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से, अपने रूम साइज के हिसाब से, अपने AVR के हिसाब से। इस सेटअप के अंदर फ्रेंड्स, दो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर मिलते हैं हमारे लेफ्ट और राइट के लिए, एक हमें मिलता है सेंटर स्पीकर और दो हमें मिलते हैं बुकशेल्फ हमारे सराउंड चैनल्स के लिए। आप चाहे तो सेंटर स्पीकर को और बुकशेल्फ को वॉल माउंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी ब्रैकेट परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसी के पीछे क्लिप दिए गए होते हैं, जो कि आप सिर्फ अपनी दीवार पर पेच कसिए और इसे टांग दीजिए। एंड फिर ये जो स्पीकर्स हैं, ये काफी हाई क्वालिटी MDF बोर्ड से बनाए गए हैं। सभी स्पीकर्स की कैबिनेट बास रिफ्लेक्ट में बनाई गई हैं, यानी पोर्टेड हैं। सभी स्पीकर के अंदर हमें 5-way बाइंडिंग पोस्ट मिलता है कनेक्शन के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर बनाना प्लग्स को भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हैं। 10 AWG तक की वायर आप इस पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टावर स्पीकर्स की। तो टावर स्पीकर्स का जो मॉडल नंबर है वो है TAV 506F। फ्रेंड्स, ये एक 3-way क्रॉसओवर के साथ हमें मिलते हैं, साथ में इसमें 4 ड्राइवर दिए गए हैं। हाइस के लिए 1 इंच का ट्वीटर दिया गया है। मिड रेंज में हमें 2.25 इंच की एक मिड रेंज मिल जाती है और लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसमें हमें 2.25 इंच के ड्यूल ड्राइवर मिलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यहाँ पर पावर हैंडलिंग की, तो 120 वॉट इसकी पावर हैंडलिंग है। अगर यहाँ बात करते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड की, तो 42 हर्ट्ज तक ये डाउन जाते हैं, 25 किलो हर्ट्ज तक ये अप जाते हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो 89 dB इनकी सेंसिटिविटी है, जिसके हिसाब से ये काफी लाउड है। और 6 ohms के ये स्पीकर हैं, तो आप अपने AVR पे अगर इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि आपका AVR 6 ohms के स्पीकर सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए अभी बात करेंगे सेंटर स्पीकर के बारे में। तो सेंटर स्पीकर का जो मॉडल नंबर है वो है TAV 506C, एंड इसमें हमें 2-way क्रॉसओवर देखने को मिलता है और 3 ड्राइवर मिलते हैं, जिसमें एक 1 इंच का ट्वीटर दिया गया है और 2 4-4 इंच के मिड बास ड्राइवर दिए गए हैं। वॉटेज में 100 वॉट तक की इसकी पावर हैंडलिंग है और 55 हर्ट्ज तक ये डाउन जाते हैं एंड 25 किलो हर्ट्ज तक अप जाते हैं। सेंसिटिविटी की अगर बात करते हैं तो 88 dB इनकी सेंसिटिविटी है, जो कि फ्रंट स्पीकर से 1 point कम है। इसकी भी जो कैबिनेट है वो बास रिफ्लेक्ट में है, पोर्टेड है, बैक साइड पे आपको एयर वेंट मिल जाते हैं। 6 ohms इंपीडेंस है। तो अभी बात करेंगे इसके साथ आने वाले बुकशेल स्पीकर की, जिन्हें कि हमने सराउंड पर यूज करना है। तो उनका मॉडल नंबर है TAV 506S। इसमें हमें 2-way क्रॉसओवर मिलता है और 2 ही ड्राइवर मिलते हैं। एक 1 inch का ट्वीटर मिलता है और एक हमें मिलता है 4 inch का मिड बस ड्राइवर। और यहां अगर बात करते हैं पावर हैंडलिंग की, तो 100 वॉट तक इनकी पावर हैंडलिंग है। अगर बात करें सेंसिटिविटी की, तो 86 dB इनकी सेंसिटिविटी है और ये भी हमें 6 ohms के लोड पर ही मिलते हैं। ये भी बास रिफ्लेक्ट कैबिनेट में ही बने हैं, पॉटेड इंक्लोजर है, बैक साइड पे आपको एयर वेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अभी एक छोटा सा क्लिप देखते हैं इसके डेमो का, फिर उसके बाद में मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूं। तो पहले आप ये डेमो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, डेमो आपने देख लिया, बात आ जाती है मेरे ओपिनियन की। तो यहां पर मैं जो सच है वो आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप अभी से पहले या अभी करंटली सोनी का सिस्टम यूज कर रहे हैं कोई, या फिर आप कोई फिलिप्स का यूज कर रहे हैं, या इसी लेवल के जो कंपनीज हैं और उनका सिस्टम आप अगर यूज कर रहे हैं, तो ये जो स्पीकर पैकेज है, अगर आप इसे एक अच्छे AVR के साथ लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा इनके इफेक्ट्स में एंड इसकी जो क्वालिटी आएगी। बट यहां पर अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट यूज करते हैं या इवन आपने सुने भी हुए हैं अगर, तो हो सकता है कि यहां पर आपको ये जो स्पीकर हैं ये अच्छे ना लगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये स्पीकर बहुत अच्छे हैं अगर हम किसी और अच्छी कंपनी से इन्हें कंपेयर नहीं करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहां पर एक बात और आ जाती है कि
इस प्राइस रेंज के अंदर और कोई भी स्पीकर्स पैकेज अवेलेबल नहीं है किसी भी कंपनी का। इस पैकेज में आपको काफी सस्ता रेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ में आपको मिलते हैं फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स, और यकीन मानिएगा इस बजट के अंदर कोई भी और ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था इसका रिव्यू। तो मैंने ये भी आपको बता दिया है कि किन यूजर्स के लिए ये ठीक है और किन के लिए नहीं है। हालांकि इस वीडियो को देख के जो स्पॉन्सर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो बट देखी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर यही था, मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ, और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।